और इसी बीच कल एक घटना हुई जहांगीरपुरी में। कल आरोपी को पकड़ने के लिए जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद इलाके में और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती है। इस वक्त हम जहांगीरपुरी में कुशल चौक पर मौजूद हैं और ये वही चौक है जहां पर हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई थी। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर ज्यादा कड़ा किया गया है और सुरक्षा बल है ज्यादा आज यहां पर लगाया गया है। तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही हैं कि आज पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो काफी ज्यादा यहां पर नजर आ रही है। दरअसल जब कल पुलिस की टीम एक आरोपी को पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुंची थी तब घर की महिलाओं ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था। यही वजह है कि जो डिप्लॉयमेंट है आज पुलिस का उसको आज यहां पर काफी ज्यादा चाक चौबंद किया गया है, बढ़ा दिया गया है और तस्वीरों में आपको यहां पर सिर्फ पुलिस ही पुलिस इस वक्त नजर आ रही होगी। आपको बता दूं कि इस मामले के अंदर अभी तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा है और इस पूरे मामले के अंदर 4 FIR अभी तक दर्ज हो चुकी है। पुलिस को 100 से ज्यादा फुटेज इस मामले में मिली है। लगातार आरोपियों की धरपकड़ चल रही है और इस मामले का जो मुख्य आरोपी है सोनू चिकना, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था जो गोली चलाता हुआ साफ नजर आ रहा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से पुलिस ने पिस्तौल भी बरामद कर लिया है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार सोनू चिकना के पास पिस्तौल कहां से आई थी और इस हिंसा के अंदर उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। पुलिस सोनू चिकना को आज अदालत में पेश करेगी और वहां पर उसकी रिमांड की मांग करेगी ताकि उससे और भी जानकारी हासिल हो सके। ABP News आपको रखे आगे।